भाई किराना बाजार का जो स्टॉर्म ड्रेन वगैरह जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये कॉर्पोरेशन का उस वक्त सोया हुआ था। जो आसिफगंज स्कूल का जो कंपाउंड है वो बॉटल नेक बना है, तो कॉर्पोरेशन को चाहिए कि भाई वैसी जगह पे पहले बीओ ऑफिस का कंपाउंड 5 फीट पीछे करे। ऐसा बताइए गुलबर्गा में ऐसा कितना स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स हैं जिनके आज तक का यूजेज में आया है। कॉर्पोरेशन अपने मिस्टेक्स को कारोबारियों के ऊपर डाल के इस तरीके से हरासमेंट करना, ये सरासर गलत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, साइंटिफिक अप्रोच निकाल के ये इश्यूज को रिजॉल्व करे। नहीं तो आज तो थोड़े देर के लिए किराना बाजार जो बंद रहा, फिर आगे ऐसा ना हो कि हम पूरा मार्केट बंद करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएं। ये हरकत ना करें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन। इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9। एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। देखिए जो गुलबर्गा में ये जो किराना बाजार का इशू है, और चाहे आप स्ट्रीट वेंडर्स का जो ये हमारा चप्पल बाजार का इशू है, और इसी तरीके से जो है स्ट्रीट वेंडर जो ठेला गाड़ी वगैरह लगाने वालों का इशू है, ये बहुत काफ़ी टाइम से ये इश्यूज चले हुए हैं। और आज का जब आप किराना बाज़ार का इशू देखेंगे, द एक्शंस ऑफ कॉरपोरेशन जो रहा है, जो सामान उठा के ले जाना, उनका माल उठाना दुकान वालों का, इट इज़ टोटली आर्बिट्री, इलीगल एंड अनलॉफुल। अगर कॉरपोरेशन को कोई इशू है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो जो है उनका एक ट्रेड यूनियन है, किराना बाजार एसोसिएशन उनका एक यूनियन है, वो जाके यूनियन को अप्रोच होकर ट्रेडर्स के साथ जो इश्यूज हैं, जो ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट का ऐसा कुछ इशू हो रहा है, तो उसको एड्रेस कैसे करें, वो यूनियन से डिस्कस करके इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कॉरपोरेशन का जो एक्शन है, ये जो आर्बिट्री एक्शन जिस तरीके से कॉरपोरेशन चलाया है, ये देखिए सामान उठा के लेके जाते हैं, सामान उठाने से कारोबारियों का नुकसान। और ये सामान जो उठा के ले गए हैं अभी तक, क्या आज तक कभी कोई वाइट पेपर जारी किया है कॉरपोरेशन ने कि कितना सामान किससे सीज हुआ, कितना माल जब्त करे, कितने अमाउंट का जब्त हुआ, कभी आज तक कोई चीज़ हुआ है? उसी तरीके से ठेला गाड़ियों के साथ जो हरकत होती है, उनके फ्रूट्स उठा के, वेजिटेबल्स उठा के सीधा कचरे में, कूड़े में फेंके जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक लॉस, फाइनेंशियल लॉस जो है गरीब ट्रेडर्स को, कारोबारियों को जो कर रहा है कॉरपोरेशन, ये टोटली जो है ना, ये अनलॉफुल एक्ट है, इसको रुकना चाहिए। और इसके ऊपर जो है ना, हम किराना बाजार यूनियन हो चाहे स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन हो, इनको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। बिकॉज ये चीज़ जो है राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड का जो एक्ट है, उसके तहत अगर देखेंगे तो ये कॉरपोरेशन का एक्ट जो है टोटली इट इज़ अनलॉफुल हो जाता है। तो इसके लिए हम कॉरपोरेशन कमिश्नर हो और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार हैं, उनको ये हम अपील कर रहे हैं कि ये इस तरीके से अनलॉफुल हरकतें अपने आर्बिट्री एक्शंस बंद करें, ट्रेडर्स को हैरास करना छोड़ दें। चाहे वो आप स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे आप किराना बाजार के ट्रेडर्स को बोलिए, या चाहे आप ठेला गाड़ी वालों के लिए बोलिए, ये जो चला हुआ है, जैसे कि एक हरासमेंट मैं अक्सर न्यूज़ में भी देखता हूँ और सुनने में भी आता है। अब ये चप्पल बाजार का जब हम लेंगे, आप देखिए चप्पल बाजार का जो रोड है, वो आके जो बीओ ऑफिस बना हुआ है, जिसे हम पुराने इसमें जो है, इसमें आसिफगंज स्कूल कहा जाता था, वो एक बॉटल नेक बना हुआ है। उसका जो आसिफगंज स्कूल का जो कंपाउंड है, वो बॉटल नेक बना है। तो कॉरपोरेशन को चाहिए कि भाई वैसी जगह पे पहले बीओ ऑफिस का कंपाउंड 5 फीट पीछे करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो बॉटल नेक बना के जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। और जहाँ तक किराना बाजार का सवाल है, भाई किराना बाजार का जो स्ट्रॉम ड्रेन वगैरह जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये कॉरपोरेशन का उस वक्त सोया हुआ था। भाई आप पहाड़ों की तरह ड्रेन, स्ट्रॉम ड्रेन खड़ा कर दिए, ऐसा बताइए गुलबर्गा में ऐसा कितना स्ट्रॉम ड्रेन्स हैं जिनके आज तक का यूजेज में आया है। जो स्ट्रॉम ड्रेन बना है वो भी तो पहले अनसाइंटिफिक बना है। कॉरपोरेशन का उस वक्त सोया हुआ था जब स्ट्रॉम ड्रेन बन रहा था। वो कॉरपोरेशन का जो नेग्लिजेंस जब कंस्ट्रक्शन के टाइम था, जब रोड वाइडनिंग के टाइम का जो नेग्लिजेंस था, आज आके वो हैरेसमेंट बन रहा है ट्रेडर्स के लिए, कारोबारियों के लिए। तो कॉरपोरेशन अपने मिस्टेक्स को कारोबारियों के ऊपर डाल के इस तरीके से हैरेसमेंट करना, ये सरासर गलत है। और हम यहाँ से खुले तौर पर कह रहे हैं, CPIM फुल्ली स्टैंड्स इन सपोर्ट ऑफ ट्रेडर्स, किराना बाजार यूनियन, स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन और ठेला गाड़ी यूनियन, ये जितने ट्रेड यूनियंस हैं, इनकी ताइद में हैं हम। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और यहाँ पे जो है ना, दुकानों वालों को, ट्रेडर्स को ट्रैफिक के नाम पे हरास करके उनको फाइनेंशियल लॉस करना, उनका सामान उठा के लेके जाना, और जो कि अनअकाउंटेबल आज तक
द लेवल ऑफ मटेरियल सीज्ड इज स्टिल अनअकाउंटेबल. आज तक कितना सीज किए हैं पब्लिक को पता नहीं है, ना ट्रेडर्स को कितना लॉस करें वो कभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉरपोरेशन से. तो हम ये कॉरपोरेशन कमिश्नर से और कॉरपोरेशन के साथ साथ गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कह रहे हैं कि ये हरासमेंट रोके, कोई साइंटिफिक अप्रोच निकाले, साइंटिफिक अप्रोच निकाल के ये इश्यूज को रिजॉल्व करे. नहीं तो आज तो थोड़े देर के लिए किराना बाजार जो बंद रहा, फिर आगे ऐसा ना हो कि हम पूरा मार्केट बंद करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएं. ये हरकत ना करें और इशू को एम्बिकेबली सॉल्व करने का तरीका ये है, जो जो ट्रेड यूनियंस बने हैं वो ट्रेड यूनियन लीडर्स को मिले, मिलके उनके साथ बैठ के इशू को रिजॉल्व करें. यही हमारी अपील है. वी आर होपफुल गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉरपोरेशन विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड पब्लिक एंड ट्रेडर्स. किराना बाजार के ट्रेडर्स के साथ साथ और जो दूसरे ट्रेडिंग ट्रेडर्स भी हैं, जैसे कि कैटल ट्रेडर्स है, काफ़ी टाइम से कैटल मार्केट के जो इश्यूज चले हैं, कैटल ट्रांसपोर्टेशन के, कैटल ट्रेडिंग के जो इश्यूज चले हैं, ये भी इशू को जो है रिजॉल्व करके ये कैटल ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करना गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. काफ़ी टाइम से डेयरी फार्मर्स हो, एग्रीकल्चर वर्कर्स हो या कैटल ट्रेड से जुड़े हुए लोग हो, कंटिन्यूसली दे आर फेसिंग हरासमेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और से लाइक ग्रुप्स एंड ऑल इन वाइल डूइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स. और मार्केट का जो कैटल मार्केट का ट्रेड है उससे इम्पैक्ट हो रहा है, इससे डेयरी फार्मर्स को इम्पैक्ट है, कैटल ट्रेडर्स को इम्पैक्ट हो रहा है. तो हमारा ये है कि भाई गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये इशू को सीरियसली लेना चाहिए. जो सारे ट्रेडर्स का इशू है, चाहे वो आप एपीएमसी ट्रेडर्स बोलिए या किराना बाजार ट्रेडर्स बोलिए या आप स्ट्रीट वेंडर्स का बोलिए या कैटल मार्केट के ट्रेडर्स बोलिए या कैटल ट्रांसपोर्टर्स एंड कैटल ट्रेडर्स बोलिए, ये सारे ट्रेडर्स को जो जिस तरीके से पिछले कई टाइम से हरासमेंट्स हो रहे हैं ये रुकना चाहिए. क्योंकि जब ट्रेडर्स सही रहेंगे, कारोबार सही चलता रहेगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन सही से होगा, टैक्स कलेक्शन से गवर्नमेंट को रन करने में आसानी रहेगी. इट इज़ म्यूचुअली हेल्पफुल टू ट्रेडर्स एंड टू द गवर्नमेंट्स. तो इसके लिए हमारी ये अपील है कि गवर्नमेंट सीरियसली और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली लेते हुए ये सारे इश्यूज़ को स्ट्रीमलाइन करके इसको सही से सॉल्व करके रिजॉल्व करके ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और इनको जो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो सपोर्ट देते रहें. ये जो हरासमेंट्स चले हुए हैं इसको रोकें. वी आर होपफुल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी और ये इशू को रिजॉल्व करके कारोबारियों को हरासमेंट करना बंद कर दिया जाएगा और इशू को एम्बिकेबली सॉल्व कर दिया जाएगा. थैंक यू.